हाय गोदावरी किचन में आप सब लोगों का एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ। आज मैं लौकी की पराठा बनाने जा रही हूँ। हमने लौकी लिया है, 1 किलो करीब है, अच्छा नरम है। सबसे पहले हम इसका छिलका को उतार लेते हैं। हमने पूरा छिलका उतार लिया है, ये दोनों किनारे का निकाल देते हैं और बीज से हम 2 टुकड़ा कर लेते हैं। इसमें बीज एकदम छोटा छोटा है, इसलिए हम इसका बीज नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट हम इसको किसनी में पीसेंगे। हमने पूरा लौकी को किस लिया है, अब इसको हम निचोड़ लेते हैं। और इसका जो पानी निकलेगा उसमें हम आटा गूंथेंगे। हमें छन्नी लिए हैं और छन्नी में लौकी को हम कीसे हैं, उसका हम पानी को अच्छा से निचोड़ के रख देते हैं और ये पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इसमें हम आटा गूंथेंगे। हमने स्टफिंग बनाने के लिए कढ़ाई लिया है और कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डाला है और तेल हमारा गर्म हो गया है। सबसे पहले हम 1/2 चम्मच जीरा है इसको डाल रहे हैं और लहसुन अदरक 4-5 लहसुन है और 1/2 इंच अदरक है इसको भी हम कूट लिए हैं और डाल रहे हैं। दो हरी मिर्च है उसको हम एकदम छोटे छोटे टुकड़े किए हैं और डाल रहे हैं और 1 प्याज है उसको भी हम छोटे छोटे टुकड़ा करके डाल रहे हैं। इसको हम थोड़ा सा भून लेते हैं। हमारा प्याज मिर्ची अच्छा से भून गया है और इसको हम लौकी के साथ और पकाएंगे, इसलिए अब हम इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल रहे हैं, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल रहे हैं और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डाल रहे हैं। और अब हम लौकी किस के रखे हैं निचोड़ के, इसको हम डाल रहे हैं। इसको अच्छा से मिलाते हुए मध्यम आंच में हम पकाएंगे। इसमें हम कटी हुई धनिया पत्ती डाल दे रहे हैं और इसको हमको पानी के सूखते तक पकाना है। अच्छा से पानी सूख गया है और लौकी जो है ये भी एकदम अच्छा से पक गया है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं। अब हम आटा गूंथ लेते हैं। 2 कप हमारा गेहूं का आटा है और 1/2 कप बेसन है और 1/4 कप सूजी है बारीक वाला और इसमें हम 2 चम्मच तेल डाल रहे हैं मोयन के लिए और इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। हमने अच्छे से मोयन को मिला लिया है पूरा और इसमें हम 1/2 चम्मच नमक डाल रहे हैं स्वाद के अनुसार और 1 चम्मच अजवाइन है इसको हम थोड़ा क्रश करके डालते हैं और अच्छा से मिला लेते हैं। और अजवाइन डालने से पराठा बहुत ही टेस्टी लगता है। और अब हम जो पानी निकाल के रखे थे लौकी का उसी को डाल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। हम लौकी निचोड़े थे उसी में गूंथे हैं, हमको थोड़ा कड़ा लग रहा है इसलिए हम पानी लिए हैं, थोड़ा सा पानी लेंगे
और सख्त आटा गूंथेंगे। हमने आटा गूंथ लिया है, थोड़ा कड़ा ही गूंथे हैं और इसमें हम थोड़ा सा ऊपर से तेल से चिकना कर देते हैं। और इसको हमको हम ढक के इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं सेट होने के लिए। 10 मिनट हो गया है, हम चेक कर लेते हैं आटा अच्छा से सेट हो गया है। और इसको हम थोड़ा सख्त ही गूंथते हैं, कड़ा ही है। और इसको हम इतना बड़ा तोड़ेंगे, थोड़ा बड़ा ही पराठा बनाएंगे। थोड़ा सा आटा ऐसे लगाएंगे और फिर बेलेंगे। अब इसमें हम मसाला भर देते हैं, उठाएंगे एक किनारे से ऐसे मोड़ते हुए, पूरा बंद करना है और एक में एक जगह लाके इसको ऐसे पकड़ना है और जो बचा है उसको निकाल देते हैं और ऐसे दबा लेते हैं थोड़ा सा। और हल्के हाथों से थोड़ा बेलेंगे। हमने पराठा बेल लिए हैं और इसको हम अब अलग रख देते हैं, फिर हम दूसरा लोई लेंगे। हम तावा रखें, तावा गरम हो गया है, इसमें हम थोड़ा घी डाल देते हैं पहले, फिर पराठा डालते हैं और आंच एकदम मीडियम रखेंगे। हम थोड़ा ऊपर में भी घी लगा देते हैं और अब हम पलट लेते हैं और थोड़ा सा जहाँ जहाँ घी नहीं है वहाँ वहाँ और अच्छे से लगा के हम रोटी को सेक लेते हैं। दोनों तरफ अच्छा से पलक पलक के हमें पकाना है पराठा को और थोड़ा घी अच्छा लगाना है ताकि अच्छा स्वाद बढ़े। दोनों तरफ अच्छा से पलक पलक के पकाना है पराठा को। हमारा पराठा मस्त अच्छा दोनों तरफ सिका गया है, अब हम इसको निकाल देते हैं और हम दूसरा पराठा डालते हैं। इसी तरह हम सारे पराठा को पका लेंगे। हमारा लौकी का पराठा बनके तैयार है, बहुत ही अच्छा लगता है और इसको दही के साथ अचार के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। और इस स्टफिंग को भूनते समय थोड़ा उसका एकदम पानी भूनते तक सूखने तक भूंजिएगा, नहीं तो गीला रहने से पराठा बेलने में थोड़ा मुश्किल जाता है। और बनाइएगा, खाइएगा और अपना अनुभव मेरे गोदावरी किचन में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।